नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ ये टॉलीगंज एरिया मूर एवेन्यू, टालीगंज एरिया का सबसे बेस्ट लोकेशन, पॉश एरिया जिसे बोलते हैं, मूर एवेन्यू में है। ये नई प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। दो टावर अभी फ़िलहाल है, एक है G+4 का, एक है G+7 का। दो टावर की प्रोजेक्ट है ये अभी। एक G+7 में आपको प्रत्येक फ्लोर में 6-6 फ्लैट है, G+4 में 3 फ्लैट है प्रत्येक फ्लोर में। तो मैं डिटेल्स इसका बता रहा हूँ अभी। ये देखिए लोकेशन, लोकेशन जो है इसका अपने टालीगंज में महानायक उत्तम कुमार का ये देख रहे हैं स्टैचू है। टालीगंज से टूवर्ड्स जब गढ़िया की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड साइड में जो पहले मालंचा सिनेमा हॉल था उसके नीचे में HDFC बैंक खुला है, उससे एडजस्टेंट जो रोड इंटर किया है, सटे हुए जो रोड चले अंदर में, वो हो गया मूर एवेन्यू। मूर एवेन्यू में जब अपने आगे जाते हैं तो वहाँ पर किसी से पता कीजिएगा दिसारिया स्टूडियो या फिर रिजेंट पुलिस स्टेशन। रिजेंट पुलिस स्टेशन के अपोजिट में, लगभग ये डायगोनली अपोजिट में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। चित्रकथा बोल के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, पाइलिंग चल रही है। तो अभी इसमें फिजिकल वीडियो मेरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू फर्स्ट टाइम ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें एम्यूनिटीज जो है, स्विमिंग पूल छोड़कर लगभग सारे बेसिक एम्यूनिटीज इसमें सारे चीज़ हैं। स्विमिंग पूल का पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, वो दे भी नहीं रहे एम्यूनिटीज में। आइए मैं अब फ्लोर प्लान में अपने चलता हूँ लेकर आपको। ये तो एलिवेशन, फ्लोर प्लान, लोकेशन ये सब आ गया। ये फ्लोर प्लान क्या है इसका, एक फ्लोर में इसका 6 फ्लैट है। 6 फ्लैट में दो फ्लैट जो आपका है वो 2 BHK है, दो टॉयलेट, BC और आपका E, तीन जो फ्लैट है इसका, ये आपका हो गया 3 BHK का और एक है 4 BHK का। एक फ्लैट जो 3 BHK का है वो डुप्लेक्स है। ये देखिए 1115 स्क्वायर फीट और 930 स्क्वायर फीट, 930 एंड 1115 स्क्वायर फीट जरा जटा आचे, वोटा 2 बेडरूम, बाकी दोटो 3 बेडरूम, एक डुप्लेक्स 3 बेडरूम और एक 4 बेडरूम। फ्लैटगुलो अपना के देखे दीजिए, फ्लैट टाइप जो ए आचे, ये तो डिटेल बोला जावे ना, नॉलेज वीडियो टाने बड़ो जावे। ए होच्चे नॉर्थ फेसिंग, 2 बेडरूम 2 बाथरूम। बीटा अपना प्राय मैक्सिमम 90% नॉर्थ फेसिंग ही आचे, एकटूखानी साउथ फेसिंग पावे। बीटा अपना नॉर्थ फेसिंग आचे, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स, किचन संग एक डिशवाश एरिया नहीं। एटा सी होलो फ्लैट, एर मध्य अपनी साउथ फेसिंग पाचन प्लस अपने किचने संग डिश वाश एरिया पाचन, हॉलटा वेल टाइपे पाचन, 3 बेडरूम 3 बाथरूम रोए छ। साउथ ईस्ट प्राय एटा रोए छ, एक दिके 3 साइड ओपन फ्लैट। एटा फ्लैट टाइप डी होलो 2 बेडरूम, एटा साउथ फेसिंग हो जावे अपना, 930 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम 2 बाथरूम किचन। फ्लैट टाइप ईटा जे होता जेटा होच्छे ये हो गया आपका डुप्लेक्स फ्लैट। डुप्लेक्स में देखिए ये एंट्री हो गया, एंट्री के पास में इसका ड्राइंग एरिया बना, डाइनिंग एरिया रखा हुआ है, सामने में ड्राइंग है, उसके पास में स्टेयर है, नीचे एक बेडरूम किचन के साथ किचन है, एक टॉयलेट है। जब अपने ऊपर में चलते हैं स्टेयर से, स्टेयर के अपर फ्लोर में, तो उसमें देखिए 2 बेडरूम निकाला हुआ है, 2 बाथरूम निकाला हुआ है, एक फैमिली सेटिंग यहाँ भी निकाला हुआ है। फ्लैट टाइप एफ जो है आपका 4 बेडरूम, देखिए हॉल का साइज काफ़ी बड़ा है, बैल्कोनी इसमें है हॉल के साथ में, किचन के साथ भी डिश वॉश एरिया है। अब 4 बेडरूम में 3 बेडरूम आपका साउथ फेसिंग है, 1 बेडरूम इसका नॉर्थ ईस्ट है। तो ये अपना हो गया 4 बेडरूम का फ्लोर, साउथ ईस्ट नॉर्थ, ये 3 साइड ओपन हो गया। ये एक टावर का हो गया। अब आइए मैं दूसरे टावर का दिखाता हूँ। इसमें 3 फ्लैट है, प्रत्येक फ्लोर में 2-3 फ्लैट है इसमें। एक है 2 बेडरूम 1110 वाला, बाकी 1325 और 1320 स्क्वायर फीट का है। ये देख लीजिए अपने फ्लैट टाइप ABC, ये जो फ्लैट है अपना वो 3 बेडरूम है। ए और सी जो 3 बेडरूम है वो आपको साउथ फेसिंग पड़ेंगे और बी जो है इसमें नॉर्थ फेसिंग होगा 2 बेडरूम का। प्रत्येक बेडरूम के साथ में ये आर्किटेक्ट ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया, मैक्सिमम बेडरूम के साथ में वार्डरोब एरिया है, किचन के साथ में डिश वॉश एरिया निकाला हुआ है, बालकोनी भी आपके निकाले हुए हैं। तो इसका फ्लोर प्लान के हिसाब से देखा जाए मैक्सिमम को ये भी कवर किया है कि साउथ फेसिंग रहेगा, ये साउथ फेसिंग है मैक्सिमम।
देखिए फ्लैट में, देखिए मैक्सिमम बेडरूम में इसमें आपका डिश वॉश वार्डरोब निकाला हुआ है, किचन के साथ में डिश वॉश एरिया निकाला हुआ है। आप सभी ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे फ़ोन कर ले या व्हाट्सएप कर ले, मैं फुल डिटेल आपको दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।